हाँ तो दोस्तों, अडानी विलमार के क्वार्टर थ्री के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको अडानी विलमार के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में ये नंबर हमें 9% से बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 15,438 करोड़ पे। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर हमें 246 करोड़ पे नजर आता है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर हमें 48 करोड़ पे ही नजर आया था। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 5 गुना जो कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर है वो हमें यहाँ पे होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, एक तरीके से अगर आप देखोगे जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है ये उसका एडजस्टमेंट ही हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में अगर आप देखोगे जो ऑयल के प्राइसेस थे वो काफी ज्यादा गिर गए थे और जो कंपनी की जो इन्वेंटरी की कॉस्ट थी अकाउंटिंग के अंदर वो काफी महंगी थी, तो उसकी वजह से कंपनी को वहां पे लॉस हुआ था, वो एक वन टाइम लॉस हुआ था। लेकिन अगर आप अभी देखोगे जो ऑयल प्राइसेस जो हमें स्टेबल होते हुए नजर आए हैं तो वहां पे कोई ज्यादा कंपनी को उससे रिलेटेड लॉस या गेन नहीं हुआ है और इसीलिए हमें यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में नॉर्मल सी आती हुई नजर आई है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर 7% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 15,438 करोड़ पे। यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे कि आपको मालूम होगा कि अराउंड 70-80% का जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे ऑयल से आता हुआ नजर आता है, और अगर आप देखोगे ऑयल के प्राइस पिछले साल के कंपैरिजन में अराउंड 25-30% हमें गिरते हुए नजर आए हैं, तो उसी की वजह में यहाँ पे रेवेन्यू का जो ग्रोथ का नंबर है वो इतना कम देखने को मिल रहा है। तो देखिए, मैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अराउंड 20-30% अगर आपके जो मेन आपके जिसका रेवेन्यू आता है अगर उसके प्राइसेस गिरे तो यहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम आते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी भी पॉजिटिव ग्रोथ के नंबर्स हैं, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ये नजर आता है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर हमें 16% से बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 246 करोड़ पे। ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से कंपनी के नंबर्स यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं, और अगर मैं ये जो अभी कंपनी के नंबर्स आए हैं इसको मैं अगर फॉरवर्ड पी के हिसाब से देखता हूँ, यानी कि लगभग 250 करोड़ रुपये अगर कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर अगर कमाती है तो लगभग 1000 करोड़ के हिसाब से अगर मैं अभी कंपनी का पी रेशियो अगर निकालता हूँ तो लगभग 55 के लगभग यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो हमें आता हुआ नजर आता है। तो देखिए, अगर आप देखोगे हार्डली 12% के लगभग का फ्री फ्लोट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। 88% की अगर हम बात करेंगे अडानी और जो विलमार है वो दोनों मिलकर यहाँ पे होल्ड करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से 55 का जो पी है वो नॉर्मली जो ऑयल का बिजनेस है उसके कंपेरिजन में अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर यहाँ पे जो FMCG वाला बिजनेस है यहाँ पे कंपनी का जो भी अराउंड 20% का रेवेन्यू भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो अगर आने वाले टाइम पे अराउंड 30-40% तक अगर जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू का नंबर है वो अगर FMCG से अगर आने लग जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मार्केट ये जो नॉर्मल जो अभी कंपनी के पी रेशियो चल रहे हैं वो हमें जस्टिफाई होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आने वाले 2-3 सालों में भी अगर जो कंपनी का ऑयल बिजनेस अगर वो 80% का अगर रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये जो पी के नंबर्स है ये जस्टिफाई नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखोगे हार्डली 1-1.5% का मार्जिन हमें नजर आता है और वहाँ पे 2-3 सालों में 1-2 क्वार्टर ऐसे होते हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा वॉलिटिलिटी होती है ऑयल के प्राइसेज में, तो जो नॉर्मली जो आपके गेंस वगैरह होते हैं वहाँ पे नॉर्मली निकल जाते हैं। उस पॉइंट से देखा जाए तो वहाँ पे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी रहती है, आपकी अर्निंग की प्रेडिक्शन मार्केट नहीं कर सकता बिल्कुल भी, और वहां पे नॉर्मली 15-20 से ज्यादा का पी रेशियो मार्केट देना पसंद नहीं करता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे अगर हम कंपनी के मैनेजमेंट की भी अगर हम बात करेंगे तो काफी ज्यादा नए नए प्रोडक्ट को फॉर्च्यून ये जो ब्रांड है इसके अंदर में वो लगातार लॉन्च कर रहे हैं, और अगर हम सेम अगर हम बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे पतंजलि भी ये सेम हमें क्रोनोलॉजी उनकी भी ये हमें यहाँ पे नजर आती है, और उनका भी अगर आप देखोगे तो उनकी जो पतंजलि ब्रांड है उसके अंदर में लगातार नए नए प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे परफेक्ट कंपटीशन हमें यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे इनके प्रोडक्ट में कुछ अलग नहीं होता है। अगर ऑयल देखोगे एक नॉर्मली सनफ्लावर ऑयल जो ऑयल रहता है, और उसके अलावा अगर आप देखोगे प्रोडक्ट में देखोगे आटा बेसन वगैरह, तो ये नॉर्मली काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव मार्केट नजर आता है। तो यहाँ पे नॉर्मली मार्केट शेयर खास करके अनऑर्गेनाइज जो मार्केट है उसे अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे ये कंपनी काफी अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि इनकी अगर हम कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे अनऑर्गेनाइज मार्केट के कंपेरिजन में इनकी जो कॉस्ट होती है वो यहाँ पे काफी कम होती है, और इसीलिए जो नॉर्मली जो रिटेल कस्टमर्स हैं वो यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसीलिए मार्केट को यहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, और कहीं ना कहीं मार्केट ये सेक्टर को काफी क्लोजली वॉच करता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए। वैसे हम ये स्टॉक को होल्ड नहीं करते क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यूएशन से रिलेटेड थोड़े इश्यूज नजर आते हैं, और उसके अलावा हमें लगता है कि अडानी जी में ये जो प्रॉब्लम्स वगैरह हुई है तो आने वाले टाइम पे भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, और वहाँ पे वो चीजें अगर आप देखोगे अगर आपकी कंपनी कितनी भी अच्छी हो लेकिन अगर आपके ग्रुप में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पे अगर किसी को अगर शेयर
दबा के बेचनी है, वो दबा के बेचेंगे तो वहां पे आपके फंडामेंटल मेरे ख्याल से कोई ज्यादा काम नहीं आते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू आपने ये देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि अडानी विलमार के जो क्वार्टर थ्री के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आगे होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।